रायबरेली जनपद के कलेक्टर परिसर में जिला पंचायत सदस्य नतीजे को लेकर जमकर हंगामा हुआ। प्रत्याशियों के साथ बड़ी संख्या में लोगों ने खूब बवाल काटा। घंटों चले प्रदर्शन में पुलिस और समर्थकों के बीच बहस चली। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि जीतने वालों को सर्टिफिकेट देने के बजाय प्रशासन द्वारा किसी और को सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। क्या मामला है बताइए। हम 450 टन से सुबह से हम आपर्ते असी जीता है जी। और कहीं जाके हम 4 बजे सर्टिफिकेट लियो जाए और हमारी लिस्ट ब्लॉक भेज दी गई कि जाओ मैं बंद है तुम्हारी लिस्ट। किसने भेजा है? मैं तो शासन प्रशासन भेजी और दो टन लाठी चलवाई नहीं, हमारा सबका भगवाई नहीं। कल से मतगणना जो चल रही है उसमें हम लोग 4000 से ज्यादा वोट पाए थे। जो कल के मतगणना के अधिकारियों ने हर एक पोलिंग बूथ एजेंट को दी गई थी वोटे, उसमें से हम लोग 4000 से ज्यादा वोटे पाए थे। लेकिन आज यहाँ पर हम लोगों को 3600 वोटे दिखाई जा रही है। तो आपको बता दें कि रायबरेली में पंचायत चुनाव के नतीजे घोषित किए जा चुके हैं, लेकिन इसके बाद जमकर हंगामा यहां देखने को मिला है। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच घंटों बहस चली है। प्रशासन पर गड़बड़ी के आरोप लगाए गए हैं। कहा जा रहा है कि सर्टिफिकेट में गड़बड़ी है, जीतने वाले को सर्टिफिकेट नहीं दिया जा रहा है। और रायबरेली में जिस तरीके से यह हंगामा देखने को मिला है, कहीं ना कहीं अब प्रशासन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आपको बता दें कि पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच घंटों बहस चली है, जमकर हंगामा हुआ है। प्रशासन पर अब सवाल खड़े होने लगे हैं। स्पष्टता इसमें पूरी तरीके से नहीं देखने को मिल रही है। सर्टिफिकेट में गड़बड़ी के आरोप लगाए जा रहे हैं प्रशासन के ऊपर। पंचायत चुनाव में ये नतीजे को लेकर हंगामा देखने को मिला है और सभी में इस दौरान नाराजगी देखने को मिली है। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं किस तरीके से पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हंगामा देखने को मिला है, बहस चल रही है। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अतर खान जुड़े हुए हैं। अगर जिस तरीके से ये पंचायत चुनाव घोषित किए गए हैं, इनके नतीजे और हंगामा इसको लेकर हुआ है, एक तरीके से कहा जाए तो प्रशासन पर अब सवाल या निशान खड़े हो रहे हैं। जी बिल्कुल, ये पंचायत चुनाव की मतगणना जो समाप्त हो चुकी थी, उसके बाद रिजल्ट जो मतगणना स्थल पर बताया गया है कुछ लोगों को कि वो उनकी विजय हुई है। फिर उसके बाद वो जब प्रमाण पत्र के लिए डीएम कार्यालय पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं उनका कहना है कि उनको पराजित घोषित कर दिया गया है और कहीं ना कहीं ये गोलमाल किया गया विपक्षियों से मिलकर, ऐसा प्रत्याशियों ने और प्रत्याशियों के समर्थकों ने आरोप लगाया है। अच्छा, जिस तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं प्रशासन पर सर्टिफिकेट में गड़बड़ी करने के, तो प्रशासन इस रूप पर क्या कुछ स्पष्ट कर रहा है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, ऐसा जिस तरह से प्रशासन की अगर बात की जाए तो कोई भी प्रशासनिक अधिकारी इस पर कुछ बोलने को तैयार नहीं है। फिलहाल कल के कई अधिकारियों से बात करने की कोशिश की गई, जो नोडल अधिकारी इसके एटीएम प्रशासन में उनसे भी बात करने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने इस पर कोई भी जवाब देने से मना कर दिया और सीधे तौर पर यही बताया ऑफ रिकॉर्ड की जांच कराई जा रही है, जांच में जो निकल के सामने आएगा तो फिर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल समर्थकों का सपना प्रदर्शन वहाँ पर जारी रहा है और फिर उसके बाद प्रशासनिक अधिकारियों के समझाने पर उसको समाप्त करवाया गया है आज का। जी, सबको कहीं ना कहीं प्रशासन भी अब इस मामले पर चुप्पी साध रही है और पल्ला झाड़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद असद खान संवाददाता, हमारे साथ रायबरेली से जुड़े हुए थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। तो प्रशासन पर जिस तरीके से सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं, प्रशासन भी अब कुछ भी नहीं बोल रहा है।